तो दोस्तों, लॉकडाउन में आप घर बैठे बैठे काफी बोर हो गए होंगे। वहीं WhatsApp, Facebook, Insta यूज करके अगर आप पक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिफ्रेशमेंट से भरी हुई होगी, क्योंकि हर बार की तरह हम इस महीने भी आए हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन ऐप्स लेकर। ये सभी ऐप्स ना कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं बल्कि आपको एक नया एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 7 ऐसी अमेजिंग ऐप्स जो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी बल्कि आपको एक नया एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगी। एज ऑलवेज, इन सभी ऐप्स के लिंक आपको उस लाइक बटन के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान खान और बिना किसी बीसी के, मेरा मतलब है बातचीत के, आगे बढ़ाते हैं अपना शो। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला ऐप है यूसन। स्टार्ट करते हैं एक ऐसे ऐप से जो आपको आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा। इस ऐप की मदद से आप अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप अपने डिवाइस को किसी भी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और आप यहाँ से कोलैबोरेट कर सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को बैकएंड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको कई इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट फोन, स्क्रीन मिररिंग और सबसे ज़रूरी टूल जो आपको किसी भी ऐप में देखने को नहीं मिलेगा, जो है रिमोट गेम टूल, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है गेमर्स के लिए। तो दूसरी ऐप है हमारी लिस्ट में ट्रूपिक। ट्रूपिक्स ये एक अमेजिंग वॉलपेपर्स और होम स्क्रीन सेटअप का एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेंडर है जो आप अपने स्मार्टफोन्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप में आपको काफ़ी सारे हाई क्वालिटी वॉलपेपर्स का कलेक्शन देखने को मिलता है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एमोलेड डिस्प्लेस के लिए। भले ही ये ऐप हमें लिमिटेड नंबर ऑफ वॉलपेपर्स और होम स्क्रीन सेटअप्स ऑफर करता है, पर ये सभी आपके डिवाइसेस को एक कम्प्लीटली नया मेकओवर देने के लिए काफ़ी है। इस ऐप की सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि यहाँ आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन सेपरेटली चूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐप आपको कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करता है जो आप आपके डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड ऐप है हमारी लिस्ट में मो स्टोरी। ये ऐप उन लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की चाह रखते हैं। बहुत सारे करंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस ऐप को यूज़ करते हैं अट्रैक्टिव वीडियोस क्रिएट करने के लिए। इस ऐप में आपको कई सारे टेम्पलेट्स भी देखने को मिलते हैं जो आप अपने कंटेंट को इन्हांस करने में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सिर्फ चंद मिनटों में इमेजेस और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जिससे आपका कंटेंट और भी इम्प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ अपना मनपसंद बैकग्राउंड स्कोर या म्यूज़िक अपने वीडियोस में इंसर्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से। तो अगला ऐप है हमारी लिस्ट में लेंसा फोटो एडिटर। लेंसा ये एक फ़ोटो एडिटर ऐप है जो डिवेलप किया गया है प्रिज्मा लैब्स की तरफ से। अब आप यहाँ ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतने सारे फ़ोटो एडिटर्स में से हम आपको यही ऐप क्यों बता रहे हैं, तो वो इस ऐप के पोर्ट्रेट एडिटर की वजह से। इस फीचर्स की मदद से आप अपनी सेल्फीज में से एक्ने और रिंकल्स रिमूव कर सकते हैं। यहाँ दिए गए हुए फिल्टर्स की मदद से आप अपने फेस को स्मूदन कर सकते हैं और अपनी सेल्फीज को परफेक्ट और फ्लॉलेस बना सकते हैं, और इस सबसे आपकी सेल्फी ना सिर्फ और भी बेहतरीन हो जाएगी बल्कि आपको एट द एंड एक प्रोफेशनल लुकिंग इमेज भी मिल जाएगी। तो अगला ऐप है हमारी लिस्ट में बफर सोशल मीडिया मैनेजर। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आपके मैनेजिंग स्किल्स काफ़ी बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि आपको आपका सारा कंटेंट जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अवेलेबल है वो मैनेज करना होता है, वो भी एक ही समय पर। इसी के साथ ही आपको आपके फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्टिव भी होना होता है। अब सेलिब्रिटीज़ के लिए ये काफ़ी आसान होता है क्योंकि उनके पास उनकी एक पूरी डेडिकेटेड पीआर टीम होती है जो ये सभी चीज़ें हैंडल करती है। आप भी एक ऐसा ही वर्चुअल सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर सकते हैं जो आपको आपका सारा सोशल मीडिया स्टफ़ मैनेज करने में मदद करेगा। बफर आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड सभी चीज़ें डिटेल्स में प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको आपके पोस्ट से रिलेटेड टाइम टू टाइम इंसाइट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ईजी टू रीड एनालिटिक्स भी शामिल हैं जो आपके पोस्ट से रिलेटेड सभी चीज़ें समझाने में आपकी मदद करेगी। तो अगला ऐप है हमारी लिस्ट में एक्शन ब्लॉक्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है जो आपको आपके डे टू डे रूटीन्स को फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आप मेरे जैसे ही अपने कामों को लेकर थोड़े भुलक्कड़ हैं
तो ये ऐप आप ही के लिए है। ये ऐप रिसेंटली ही गूगल ने डेवलप किया है, जिसकी मदद से आप रूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट के साथ, और फिर वो हो जाएगा सेव आपके होम स्क्रीन के ऊपर एक आइकन के फॉर्म में। अब आपको सिर्फ इस आइकन पर टैप करना है और गूगल असिस्टेंट आपका वो टास्क पूरा कर देगा। ये एक रियल टाइम सेवर ऐप है जो सीनियर सिटीजन्स या फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अभी आपको इस ऐप में शायद कुछ बग्स देखने को मिलेंगे, बट आने वाले टाइम में अपडेट्स के साथ ये ऐप और भी स्टेबल हो जाएगा। तो अगला ऐप है हमारी लिस्ट में फायरफॉक्स स्क्रीनशॉट गो। हम सभी को स्क्रीनशॉट्स लेना काफ़ी पसंद है, और जब बात आती है मीम्स या फिर किसी दिल को छू जाने वाले कोट्स की, तो यार स्क्रीनशॉट तो बनता है। इसके अलावा ब्राउजिंग करते वक्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर और स्टोर करने के लिए भी हम स्क्रीनशॉट्स की मदद लेते हैं। अब इतने सारे स्क्रीनशॉट्स में आखिर मौके पे अगर हम कोई स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट ढूंढना चाहते हैं तो वो कितना ज़्यादा हैक्टिक और फ्रस्ट्रेटिंग होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। ये ऐप आपको आपके सभी स्क्रीनशॉट्स को एक वेल डिफाइंड कैटेगराइज्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। आप यहाँ ऐप में जाकर सिंपली अपने डिजायर्ड स्क्रीनशॉट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। अब ऐसे लाइफ सेविंग ऐप को हमारे लिस्ट में तो होना ही था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थी हमारी टॉप 7 बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स की लिस्ट। एज ऑलवेज इन सभी ऐप्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कौन सा ऐप सबसे पहले यूज करने वाले हैं बताइएगा मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।